नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी कहानी नैना जोगिन। रत्नी ने मुझे देखा तो घुटने से ऊपर खोसी हुई साड़ी को कोंचा कि जल्दी से नीचे गिरा लिया। सदा सायरन की तरह गूंजने वाली उसकी आवाज कंठ नली में ही अटक गई। साड़ी की कोंचा नीचे गिराने की हड़बड़ी में उसका आंचल भी उड़ गया उस संकरी पगडंडी पर, जिसके दोनों ओर झरबेरी के कांटेदार बाड़े लगे हों। अपनी भल मनसाहत दिखलाने के लिए गर्दन झुकाकर आंख मूंद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था। मैंने वही किया, अर्थात पलट गया। मेरे पीछे रत्नी ने अपने उघड़े हुए तन बदन को ढक लिया और उसके कंठ में लटकी हुई एक उग्र अश्लील गाली पटाके की तरह फूट पड़ी। मैं लौटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैठकर रत्नी की गालियां सुनने लगा। नहीं, वह मुझे गालियां नहीं दे रही थी। जिसकी बकरियों ने उसके पाठ का सत्यानाश किया है, उन बकरी वालियों को गालियां दे रही है वह। सारा गांव, गांव के बूढ़े बच्चे जवान औरत मर्द उसकी गालियां सुन रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद सच ही उसके सुनने और मेरे सुनने में फर्क है। मैं सचेतन रूपेण, अर्थात जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वपूर्ण वार्ताएं सुनता हूं, उन गालियों को सुन रहा हूं। कान में उंगली डालने के ठीक विपरीत, एक एक गाली को कान में डाल रहा हूं। उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है। ब्लू फिल्मों के दृश्य, उदाहरण देकर थाना पुलिस अदालत फौजदारी को न्योतना नहीं चाहता। रमेशर की मां ने टोका, शायद गांव भर की बकरी वालियों को सार्वजनिक गालियां दागने के बाद रत्नी ने रामेश्वर की मां के प्रजास्थान को लक्ष्य करके एक महास्थूल गाली दी। रामेश्वर की मां ने टोका, पहले खेत में चलकर देखो, एक भी पत्ती जो कहीं चरी हो। रत्नी अब तक इसी टोक की प्रतीक्षा में थी, शायद अब उसकी बोली लयबद्ध हो गई। वे प्रत्येक शब्द पर विशेष बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतलाकर कहने लगी कि वे पाट के खेत में जाकर क्या देखेगी। भले घर की लड़की होती तो कहती अपना सिर, किंतु रत्नी सिर के बदले में अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है। इसके बाद बहुत देर तक रत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन उन्हें लिख नहीं सकता, वारंट का डर है। किंतु रत्नी के बारे में अब कुछ नहीं लिखा गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रत्नी की गालियों में मनमाहत और अपमानित करने के अलावा उत्तेजित करने की तीव्र शक्ति है। यह मैं हलफ लेकर कह सकता हूं। रत्नी का नाम नैना जोगिन मैंने ही दिया था। एक दिन तब वे 7-8 साल की रही होगी। नैना जोगिन देहात में झाड़ फूक करने वाले ओझा गुणियों के हर मंत्र के अंतिम आखर में बंधन लगाते हुए कहा जाता है, दुहाए ईश्वर महादेव गोरा पार्वती नैना जोगिन इत्यादि। लगता है कोई नैना जोगिन नाम की भैरवी ने इन मंत्रों को सिद्ध किया था। 7 साल की उम्र में ही रत्नी ने गांव के एक धनी प्रतिष्ठित वृद्ध को फिल चक्कर में डाल दिया था। उसकी बेवा माँ वृद्ध की हवेली की नौकरानी थी। पंचायत में 7 साल की रत्नी ने अपना बयान जिस बुलंदी और जिस विस्तार से दिया था, कोई जन्मजात नैना जोगिन ही दे सकती थी। अब तो उसकी जामुन की तरह कजराई आंखें भी उसके नाम को सार्थक करती हैं। किंतु 7 साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचाने वाली लड़की से आंख मिलाने की ताकत गांव के किसी बहके हुए नौजवान में भी नहीं हुई कभी। उसको देखते ही आंखों के सामने पंचायत, थाना, पुलिस, फौजदारी, अदालत, जेल नाचने लगते। रत्नी की माँ सरकारी वकील को भी कानून सिखा आई है, बहस कर आई है सेशन कोर्ट में। सो पिछले 11 वर्षों में रत्नी की मां ने मुंह के जोर से ही 15 एकड़ जमीन अर्जा है। पिछवाड़े में लीची के पेड़ हैं, दरवाजे पर नींबू।
सूद पर रुपए लगाती है, 10 पैसा हाथ में है और घर में अनाज भी, इसलिए गांव की जमींदारनी भी वही है। गांव के पुराने जमींदार और मालिक जब किसी रैयत पर नाराज होते हैं तो इसी तरह गुस्सा उतारते थे, यानी उसकी बकरी गाय वगैरह को परती जमीन से ही हाक कर दरवाजे पर ले आते थे और गालियां देते, मारपीट करते और अंगूठे का निशान लेकर ही खुश होते थे। रामेश्वर की माँ कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई, इसलिए रतनी और रतनी की माँ ने आज इस झगड़े का सृजन किया है जानबूझकर। रामेश्वर का बाप मेरा हलवाहा है। रामेश्वर हमारे भैंसों का रखवाला यानी भैंसवार है। रामेश्वर की माँ हमारे घर बर्तन बासन मांजती है, थान कूटती है, इसलिए रत्ना अब अपनी गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी ओर करने लगी। तू किसका डर दिखलाती है? शहर से आए भरतार का? रोज मांस मछली और ब्रांडिल पीकर तेरे तेल बढ़ गया है, हैं? मुझे अचानक रामेश्वर की माँ की गंदी हल्दी प्याज लहसुन पसीना मैल की सम्मिलित गंध भरी साड़ी की महक लगी। लगा अब रतनी मुझे बेपर्दा करेगी। खुद अपने को उसने पिछले 1 घंटे में 60 बार नंगा किया है, अर्थात जब जब उसने गाली का रुख हमारी ओर किया, हर बार ये कहना ना भूली कि रामेश्वर की माँ जिसका डर दिखलाती है वह मुनसा रतनी का अथी भी नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ऐसे मद की मुनसा को वह अपनी अथी में दाहिने बाएं बांध रखेगी। बगुला पंखी धोती कुर्ता और घड़ी छड़ी जूता वाले सहरी छैल चिकनिया लोग ऊपर से लकदक और भीतर फोक होते हैं। सफाचट मोच मुड़ाए मुछमुंडा लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रतनी। रतनी की माँ को इसका गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुख्तार के बेटों को देखकर भी उसकी बेटी की अथी अर्थात जीभ नहीं पनियाई कभी, डकार भी नहीं लिया कभी। रतनी अपने आंगन से निकल आई थी। रामेश्वर की माँ ने कोई जवाब दिया होगा शायद। अब रतनी और रतनी की माँ दोनों मिलकर नाचने लगी। उसका घर दरवाजे से 10 रस्सी दूर है लेकिन सामने है। मैं रतनी और रतनी की माँ का नाच देखने को बाध्य था। रतनी की काव्य प्रतिभा ने मुझे अचंभे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरंत रची हुई पंक्तियों में वे सब कुछ था जो कविता में होता है, बिंब प्रतीक व्यंग्य तथा गंध बतौर बानगी, अटना का साहब और पटना की मेम, रात खाए मुर्गी और सुबह करे नेम, तेरा झुमका और नथिया और साबुन महकोवा, तू पान में जर्दा खाए नखलोवा। रतनी और रतनी की माँ के ये काव्य नाटिका समाप्त हुई तो मैंने दरवाजे पर बैठे गांव के 2-3 नौजवानों की ओर देखा। मेरा चेहरा तमतमाया हुआ था किंतु वे निर्विकार और निर्मल मुद्रा में थे। परिवार तथा पट्टीदार के मर्द पुरुषों की ओर देखा, वे पान चबा रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लगता था इन लोगों ने रतनी की गालियां सुनी ही नहीं। मैंने जब भोजन के समय बात चलाई तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिन्हें शहर के नाम से ही जड़ैया बुखार धड़ दबाता है, हंसकर कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन तक ऐसी असभ्यता ही करेंगे, यह हमें मालूम है। इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भल मानुस नहीं देता। इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार उतार कर समझने का क्या मतलब? शहर में क्या औरतें गाली नहीं देती? अजब इंसाफ है। गाली सुनकर समझना अन्याय है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे। अश्लील और घिनौने मुकदमे के कारण रतनी की बदनामी बचपन से ही फैलती गई। जवान हुई तो बदनामियां भी जवान हुई। फलत गांव के हिसाब से पक जाने पर भी कोई दूल्हा नहीं मिला। मिलता भी तो घर जमाई होकर नहीं रहना चाहता था। 2 साल हुए, निमोंछिया जवान ना जाने किस गांव से आया, सांझ में और रात में भात खाने के लिए घर के अंदर गया तो रतनी की माँ एक हाथ में सिंदूर की पुड़िया और दूसरे में फरसा लेकर खड़ी थी। छदोड़ी की सीध में सिंदूर डालो, नहीं तो अभी अल्लाह करती हूँ, घर में चोर घुसा है। तो सिकिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कोमल पत्तियां तोड़कर ले जाता है, वही है रतनी का रतन धन। पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक रात को रतनी ने इसको लात से मारा। घर से निकाल कर चिल्लाने लगी, पूछे कोई इससे कि इतना दूध मलाई दही मांस मछली कबूतर तिस पर धात पुष्टई दवा
तो अलान ढेकान खाकर भी जिस मर्द को आधी रात को हफनी शुरू हो उसका क्या कहा जाए। लोग दोष देते हैं मेरे कोक को कि रतनी बांझ है। नीमक हराम और किसको कहते हैं। मैं अब इससे मानसिक विकार मानने लगा हूँ। अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जात की औरत गांव की मालकिन हुई है। नहीं, सामाजिक भी है। मेरे पट्टीदार के एक भाई ने कहा, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। गांव के सभी किस्म के चोर अर्थात लतीपति और सीना जोर दिन डूबते ही उसके आंगन में जमा हो जाते हैं। इलाके का मशहूर डकैत परमेश्वरा रतनी की बात पर उठता बैठता है। मुखिया और सरपंच रतनी की माँ के खिलाफ चू भी नहीं कर सकते। रतनी की माँ से कोई राल मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए दिन भर गांव के हर टोले में दोनों घूम घूम कर झगड़ा करती फिरती हैं। रतनी अकेली खस्सी को जिभा कर देती है। रतनी की माँ चोरी का माल खरीदती है, थाली लोटा गिलास। सुबह को मालूम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेस्टीज प्रेशर कुकर गायब है। दोपहर के बाद धोती गुम। रात में रामेश्वर की माँ फिसफिसाकर आंगन में कह रही थी। रतनी बोलती थी कि सिद्ध करके छोड़ेगी इस बार। उस दिन इस तरह पीठ दिखाना अच्छा नहीं हुआ शायद। और ये सब इसलिए कि मैंने रतनी के तथाकथित पुरुष को बुलाकर उसका पता ठिकाना पूछा था और उसको समझाया था कि गांव में अब एक नई बात चल पड़ी है। उसने बीवी की मार सहली। नतीजा यह हुआ कि कई औरतों ने अपने घर वालों को पीटा इस गांव में। रतनी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव के लोगों को सूचना देने के लहजे से सुनाया था, सुन लो हो लोगो, अब इस गांव में फिर एक सेशन मुकदमा उठेगा, सो जान लो। ई शहर का कानून यहाँ छाटने आया है। कोई अपने घर वाले को लात मारे या चुम्मा ले और दूसरा कोई बोलने वाला कौन। देहात से लेकर शहर तक तो छुचू आते फिरता है, काहे ना कोई मोगी मुंह में चुम्मा लेती। मैं रोज हारता, रतनी रोज जीतती। मुझे स्वजनों ने सतर्क किया, सांझ होने के पहले ही मैदान से घर लौट आया करूं। किसी ने शहर लौट जाने की सलाह दी। मुझे लगता रोज ताल ठोक कर एक औरत पहलवान मुझे चुनौती देती है, थप्पड़ घूसे चलाती है। भागूंगा तो गांव की सीमा के बाहर तक, पीछे पीछे फटा कनस्तर पीटती और बकरे की तरह बौबो करती जाएगी। गांव भर के लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। मुझे हथियार डाल देना चाहिए। एक औरत, सो भी ऐसी औरत से टकराना बुद्धिमानी नहीं। एक सप्ताह तक चोरी चपाटी करवाने के बाद एक नया उत्पात शुरू किया। रात भर हमारे दरवाजे और आंगन में हड्डियों की बरखा होती। एक औरत ताल ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ। मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा। रात में नींद खुली। दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगों ने लगाया है उसमें भैंस का बच्चा घुस गया है शायद। मैं धीरे धीरे बाड़े के पास गया। फट, अमलतास के कोमल पौधे को तोड़कर गुलमोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप से पकड़ा। कलम घिसाई के बावजूद पंजे की जकड़ में अब तक खम बचा हुआ था। क्यों, मैंने बहुत धीरे से पूछा। छोड़िए, जवाब भी उसी अंदाज में मिला। क्यों तोड़ा है, क्या मिला, क्यों तोड़ा तो क्या कर लीजिएगा। मैं लोगों को पुकारता हूं। खुद फंस जाइएगा, हाथ छोड़िए। फंसा के देखो, मैं नहीं डरता हूं। क्या चाहते हैं आप। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, इस पौधे को क्यों तोड़ा है। वह तो पौधा ही है, जी तो आपको ही तोड़ देने को करता है, हाथ छोड़िए। मैंने देखा उसकी कनपटी पर एक सांप का भाला, बर्छे की फली। मैंने हाथ छोड़ दिया। वह भागी नहीं, खड़ी रही। मुझे चुप और अवाक देखकर बोली, चिल्लाऊं कोड़ी डरावे थूक से। रतनी हंसी, तारों की रोशनी में उसकी हंसी छिल मिलाई। चाहिए चाहिए, थोड़ा ब्रांडिल और चढ़ाइए। तुम नैना जोगिन। हाँ, नैना जोगिन ही हूं। तब माधो बाबू, अब रतनी करीब सटाई, मेरा क्या कसूर है,
जो 12 साल से बनवास दिए हुए हैं आप लोग। उस बूढ़े को करनी का फल चखाया तो क्या बेजा किया। मैं उस समय उसकी पोती की उम्र की थी। सो आप लोगों ने, खासकर आप दोनों भाइयों ने, हम लोगों को रंडी से बदतर कर दिया। आखिर आपके जन्म के दिन रत्नी की माँ ही सोर घर में थी। 5 साल तक आप रत्नी की माँ की गोद और आंचर में रहे और आप ही की आंख में जरा भी पानी नहीं। मैं जवान हुई, आप लोगों ने आंख उठाकर कभी देखा नहीं कि आखिर गांव घर की एक लड़की ऐसे जवान हो गई और शादी क्यों नहीं होती। अब इस बार आए हैं तो कभी आपके मन में यह नहीं हुआ कि रत्नी की शादी हुई 2.5 साल हो रहे हैं और रत्नी को कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। अटना पटना दिल्ली दरभंगा में आपके इतने डॉक्टर वागडर जान पहचान के हैं, आखिर रत्नी की माँ का दूध साल भर तक पिया है आपने। रत्नी की माँ को बहुत दिन तक आपने माँ कहा था, लोगों को याद है। दूध का भी एक संबंध होता है माधव बाबू। मैंने कहा, रत्नी, रमेश सर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता, तुम जाओ, कोई देख लेगा। देखकर कर क्या लेगा। रत्नी ने बेलाक बेलोस एक अश्लील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी। देखकर आपका अथी और मेरा अथी घुआड़ लेगा। बोलिए बोलिए, मैं पापिन हूँ, मैं अछूत हूँ, जो भी हूँ, आपकी हवेली में पली हूँ। तकदीर का फेर है माधव बाबू, तकदीर का फेर। रत्नी नाम भी आपके ही बाबूजी का दिया है, आपने उसको बिगाड़ कर नैना जोगिन कर दिया। किस कसूर पर? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था रत्नी की माँ ने, जो इस तरह बोल चाल उठ बैठ एकदम बंद। मैंने धीरे से कहा, उफ, ऐसे गांव में अब कोई भला आदमी कैसे रह सकता है। लगा नागिन को ठेस लगी, फुंकार उठी, भला आदमी को पूंछ सींग होता है, नहीं होता है, इसीलिए पूंछ सींग जानवर, औरत मर्द, नंगे बेपर्द, अंधकार प्रकाश, गुर्राहट, आंखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली, शिवा, गिरदा सया, भोगनी, महाकुंश, स्वरूप, छिन्मस्ता, अठास। अठास सुनकर चौंका, रत्नी कहाँ है? वे तो साक्षात नील सरस्वती थी। इस बार गांव में, गांव के आसपास ये खबर बहुत तेजी से फैली कि नैना जोगिन का जोक माधव बाबू पर खूब ठिकाने से लगा है। रमेशर की माँ को एक दिन खोई हुई चीजें टोकरी में मिली, घर में ही। रत्नी ने माधव बाबू को भेड़ा बनाया है तो माधव बाबू ने रत्नी का विषदंत उखाड़ दिया है। बोले तो एक भी गाली गंदी या अच्छी। रत्नी और उसके नामर्द मर्द को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूँ। डॉक्टर को अचरज होता है कि मैं रत्नी के लिए इतना चिंतित क्यों हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि यदि रत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह मेरे बाग के हरे पौधे तोड़ देगी, गांव के सभी पेड़ पौधों को तोड़ देगी, गांव के सभी लोगों को तोड़ेगी, गांव में हड्डियां बरसावेगी, अश्लील गालियां देती हुई सभी को ललकारेगी। वे सावली सलोनी लंबी स्वरूप पूर्ण यौवना नैना जोगिन। जांच पड़ताल के समय जब रत्नी की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है, पेट टटोला जाता है तो मेडिकल कॉलेज की लेडी स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर तक हैरत से मुंह बाए रहती है। औरत ऐसी, 5 दिन हुए हैं, पड़ोस के मल्होत्रा साहब की नौकरानी को 2 दिन वे फ्लैट के नीचे उठाकर फेंकने की धमकी दे चुकी है। शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज 5 अश्लील गालियां देती है। उसका घर वाला गांव लौटाने को कुनमुनाता है और वे घुड़क देती है, हाँ हाँ, जब आ गई हूं तो यहाँ हो, चाहे लहेरिया सराय, चाहे कलकत्ता, जहां से हो कोख तो भर के ही लौटूंगी। गांव तुमको जाना हो तो माधव बाबू टिकस कटाकर गाड़ी में बैठा देंगे, मैं किस मुंह से लौटूंगी खाली। सच सच कोई जादू जानती है रत्नी, कोई शब्द उसके मुंह में अश्लील नहीं लगता। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।